हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। ये देख लीजिए, एक झूला है स्विंग, इसका चलिए हम रिव्यू करते हैं। ये वीडियो पटना बिहार से मैं बना रहा हूँ। ये झूला कैसा है वो आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। झूला पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके डायमेंशन चलिए बताता हूँ इस झूले का। और आपको भी ये झूला बनवाना है तो जिस कारीगर ने इसको बनाया है उसका मैं फ़ोन नंबर, उसके दुकान का एड्रेस, सारा डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। और झूला ही नहीं, आपको कोई भी रेलिंग, ग्रिल, खिड़की, कुछ भी बनवाना है लोहे का आइटम तो इस कारीगर से आप बनवा सकते हैं। कारीगर अच्छा है पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ओनर आते हैं नाप जोक करने उनका थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ रहता है, तो थोड़ा सा आपने आँख के सामने ही नपवाइएगा तो सही रहेगा। बाकी कारीगर सही है। देखिए झूला का पूरा ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ। ऊपर में ग्रीन कलर का ये शेड दिया हुआ है बारिश से बचने के लिए। और इसका स्टैंड जो है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया गया है, ऑप्शनल है, छत में आप फास्टनर से इसको कस भी सकते हैं। और झूले को फ्रीली मूव करने के लिए झूले में देखिए संगत ये बॉल बैरिंग्स ऊपर में दिए गए हैं, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा झूला है। तो चलिए वीडियो को इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए अगर ये झूला आपको पसंद आ रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पटना बिहार से अगर आप हैं, गांधी मैदान साइड से, तो आप ये झूला बनवा सकते हैं एकदम सेम टू सेम वीडियो में दिखा के लोहार को अपने। ऐसे लोहार का नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से भी इस झूले को अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। कीमत की बात करूँ तो ये 19,000 रुपये का पड़ा है टोटल। 300 रुपये का आपको डिस्काउंट इसमें मिल सकता है। 19,000 रुपये में एकदम सेम झूला आपको बना के मिल जाएगा। और पार्ट पार्ट में ये झूला खुल जाता है ताकि आप अपने छत के सबसे टॉप फ्लोर पे इसको ले जाके पेंट वगैरह करा के असेंबल करवा लें। असेंबल भी वो लोग आके कर देंगे खुद ही, झूला जिस दिन डिलीवर होगा उसे एक दो दिन बाद ही आपको ये झूला पेंट वगैरह आप करवा लीजिएगा अपने साइड पे, तो इसको असेंबल कर लिया जाएगा। प्योर लोहे का ये झूला है। और इसका डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो झूले का जो बेंच है इस पर लेटते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये 2 फीट से थोड़ा सा कम है, 23 इंच का इसका, देखिए इसका 23 इंच का ये बेंच है। देखिए 2 फीट से थोड़ा सा कम, 23 इंच का ये बेंच है चौड़ाई में। और लंबाई में देख लेते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। और लंबाई में ये है करीबन 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच लंबाई है और चौड़ाई है करीबन 22 इंची। देख लीजिए 22 इंच है, 2 फीट से थोड़ा सा कम है। और इसका जो पीछे का जो शोल्डर रेस्ट है वो भी 22 इंच के आसपास है, 22.5 इंच, देखिए 22.5 इंच का। और इसमें सीकर जो लगाया गया है वो भी मोटा सीकर है। और ये डिज़ाइन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है लोहार द्वारा। देखिए रेड कलर का इसमें फूल लगाया हुआ है छोटा छोटा, इस तरह का ये डिज़ाइन होता है फूल वाला, आप ध्यान से देख लीजिए। सीकर है बढ़िया लगाया हुआ, ये हिस्सा अलग खुल जाता है, नट बोल्ट्स पर दिया गया है पूरा अच्छे से, पूरा एंगल बना के लोहे का अच्छे से दिया गया है ताकि झूला झूलते समय ये हवा में उछले नहीं। बहुत सारे झूले जो पार्क वगैरह में होते हैं वो थर्ड ग्रेड क्वालिटी का होता है, बहुत तेज़ी से बच्चे उस पर झूलते हैं तो झूले के जो लेग्स होते हैं वो उछलना शुरू कर जाते हैं, तो फास्टनट से आपको टाइट करवाना पड़ता है छत में या ज़मीन में कहीं पर भी। लेकिन इसमें भी फास्टनट लगाने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका ट्रायंगुलर टाइप का शेप है जिसके कारण इसका जो एंगल है ये काफ़ी भारी है, सो ये उछलेगा नहीं झूला। आप एक बार अच्छे से ओवरव्यू देख लीजिए इस झूले का। लेकिन और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, खास करके वो लोग जो अभी नया नया घर बनवा रहे हैं उनके लिए मेरे पास काफ़ी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। या हो सकता है कि आप गलती करने के बाद अपने पैसे वेस्ट कर लें तब वो ज्ञान आप सीख पाएँ। इस वीडियो में आपको पहले से ही रेडीमेड ज्ञान मिलेगा तो आप देख के सीख सकते हैं। ये झूला फिर से मैं बता दूँ, 19,000 रुपये का पड़ता है पूरा लोहार से बनवा के। लोहार का फ़ोन नंबर, लोहार का एड्रेस, लोहार का नाम, लोहार कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो सेम झूला अपने घर के लिए भी आप बनवा सकते हैं। पूरा इस पर मोटा शेड लगाया गया है ताकि आंधी तूफान पानी में ये ख़राब ना हो। और इस शेड को इस फ्रेम से अटैच करने के लिए सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज का इस्तेमाल किया गया है और नट बोल्ट से इसको 3 जगह से टाइट किया गया है, इसके शेड को क्लैंप लगा के। और यहाँ पर भी देखिए नट बोल्ट से पूरा टाइट किया गया है इसके ऊपर के शेड को ताकि तेज़ हवा, पानी, आंधी, पटना बिहार में कुछ दिन पहले ओला भी गिरा था उससे भी ये आपको बचाएगा। और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये लोहा है, रेड ऑक्साइड पेंट कराने के बाद इसको इस तरह से वाइट कलर में पेंट किया गया है। तो ये पूरा ओवरव्यू है इस झूले का।
आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें हमारा यूट्यूब वीडियो राज टेक्निकल लॉक्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लोहार का दुकान का नाम, नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ पटना बिहार वालों के लिए ही है, लेकिन अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप अपने शहर में भी अपने लोहार से, ब्लैक स्मिथ से बनवा सकते हैं। तो ये देख लीजिए पूरा वीडियो, ओला वगैरह भी इस पर पड़ेगा तो ये शेड जो है टूटेगा नहीं, और इसमें बॉल बैरिंग्स बड़े बड़े लगाए गए हैं, बड़े बड़े सीकर के साथ हैं, तो कभी ये झूला टूटेगा भी नहीं, आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। और बहुत सारे घरों में ये मिथ भी है सुने होंगे कि घरों में झूला नहीं लगवाना चाहिए, वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता है, ब्लैक एंटिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बकवास हैं। 2023 में ये मई का महीना चल रहा है जिसमें ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वीडियो देखने का धन्यवाद।